हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल में। तो आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको फ्री स्टडी नोट्स, डेली करंट अफेयर्स आपको मिलती रहेंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज हम काफ़ी एक बहुत ही बड़ा विषय है जिस पर बात करने वाले हैं, और जैसा आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, जो अध्यापक हैं उनका अस्तित्व एक तरह से खतरे में है। काफ़ी जगह क्या हो रहा है कि जो अध्यापक हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जा रहा है, जिससे एक अध्यापक को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। प्राइवेट स्कूलों में आपको पता है एक अध्यापक को क्या सैलरी मिलती है, अध्यापक का वहाँ पे शोषण किया जाता है। सभी जगह नहीं, लेकिन काफ़ी जगह होता है, इवन राजधानी के अंदर भी हम काफ़ी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। तो बात ये आती कि अध्यापकों के साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, जिसे राष्ट्रीय निर्माता कहा जाता है उसके साथ सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। ये एक सोचने वाला विषय है कि जो अध्यापक है वो अपने हक के लिए लड़ रहा है और उसे उसका हक नहीं मिल पा रहा है। तो अभी हम बात करते हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो उसके विरोध में जो अध्यापक वर्ग है वो सड़क पे उतरा है। राजधानी के अंदर भी जंतर मंतर के आसपास ऐसे कुछ साथी देखे गए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में वो गए थे वहाँ से, और बड़े बड़े चैनल ने वहाँ से कवरेज भी किया है। तो कई दिन पहले भी ये चीज़ें देखने को मिली और हर जगह बार बार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो उन अध्यापकों की मांग है, उन ग्रुप की मांग है कि जो ये शिक्षा नीति है सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन जो ये परफॉर्मेंस को डिसाइड करेंगे, जैसे स्कूल में जिस स्कूल में काम कर रहे हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस को जो डिसाइड करेंगे वो कौन होंगे, वहाँ पे वो स्कूल का ही स्टाफ होगा, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, या काफ़ी ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली एक बंदे के हाथ में नहीं है, वो क्या है, जगह जगह आप समझ सकते हैं कि उसमें घपला काफ़ी देखने को मिल सकता है। जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल है, ठीक है, या जो आपके एडेड स्कूल हैं, इनमें काफ़ी सारे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि काफ़ी सारा उसमें करप्शन होता है। और इसके बाद जो एडेड स्कूल हैं उनको डी ट्रिपल एस बी ने अपने अंडर भी लिया है। तो अब ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि अब होगा क्या इसमें, और न्यू वैकेंसी से पहले ये जो विवाद है एक तरह से बढ़ता जा रहा है। जो अध्यापक वर्ग है वो मांग कर रहा है कि ये जो सिस्टम है, जो ये नीति है, इसमें बदलाव किया जाए। हम इससे पूरी तरह सहमत नहीं हैं, हम समझ रहे हैं इंटरव्यू होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इसके बाद जो टेस्ट है वो भी होना चाहिए, कोई बिल्कुल सही बात है, लेकिन बार बार ये टेस्ट लेना ये कहाँ का वो है। और ये हालांकि साथियों देखा जाए तो शिक्षकों के साथ इतना गलत कैसे है। अब बात ही आती कि ये एक नया पंगा साइड में आ रहा है, और इससे कहीं ना कहीं जो बोर्ड होता है या जो भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं उनका ध्यान इस तरफ जाता है, और जाते ही क्या होता है, जो वैकेंसीज वगैरह हैं उन पे भी फर्क पड़ता है, वो भी डिले होती हैं। और डिले अगर होती हैं तो इसमें देखो नुकसान क्या हो सकता है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है इसमें भी लागू होगी। तो हम यही कामना करते हैं कि इनमें कुछ बदलाव किया जाए, लेकिन शिक्षक वर्ग के साथ ना बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा है। आप कहीं भी देखें बहुत बुरा सिस्टम हो रहा है, तो आप भी अपने व्यू जरूर दें। तो अभी आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बदलाव की मांग की जा रही है, क्योंकि इसमें ये है कि कई साल तक उन्हें ट्रेनिंग टाइप में रखा जाएगा, फिर उनको परमानेंट किया जाएगा। मतलब एक शिक्षक इंटरव्यू भी देगा, टेस्ट भी क्वालिफाई करेगा, इसके बाद तो काफ़ी सारे मतलब अलग अलग तरह के इसमें 7 लेवल होंगे, उनको पार करेगा। फिर इसमें काफ़ी चीज़ें ना उसके हाथ में नहीं है, उस अध्यापक के हाथ में नहीं है, वो दूसरे डिसाइड करेंगे, और दूसरे कौन होंगे, स्कूल वाले होंगे। अब वहाँ पे कहीं ना कहीं धांधली हो सकती है, तो इसका विरोध किया जा रहा है। और आप भी अपना विचार जरूर रखें कि क्या ये सही है या गलत है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब करें, और जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई या जो भी कोई अपडेट होगी आपको बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।